ये हमारी तरफ से है जी, इसको रख लीजिए और बाकी और लोगों से भी मदद हम कराते हैं। हम पूछते हैं कि अखिया बच जाएगी, तो कह रही हाँ। बच्ची के जीवन को बचाना है, ये दोनों आंख से देखेगी और सिर्फ मैं ही मदद नहीं करूंगा और लोगों से भी मदद कराऊंगा। बाबू तुम टेंशन मत लो, ये मेरी बेटी तुम्हारी बेटी पूरी सबकी बेटी है। ये हुए वादे के अनुसार नवादा की 4 साल की बेटी आराध्या को आई कैंसर से बचाने के लिए गुंजन सिंह इस वक्त जो है नवादा की धरती पर आ गए हैं। इन्होंने वीडियो कॉल किया था, प्रेम कुमार जी ने मुहिम की शुरुआत किया, इन्होंने वीडियो कॉल करके बोला कि मैं आपके घर आऊंगा और आपके इलाज के लिए मैं आर्थिक मदद करूंगा और लोगों से अपील करूंगा। किया हुआ वादा निभाने के लिए गुंजन सिंह मगही के सुपरस्टार नवादा के लाल इस बिटिया के आंख के इलाज के लिए लोगों से अपील करने के लिए आज इस बेटी के घर और इस बेबस पिता के घर पर आ गए हैं। गुंजन सिंह जी, वीडियो कॉल पर बात हुई थी, इस बिटिया को आई कैंसर हुआ है, लगभग 14-15 लाख रुपया लगेगा, 2 दिन में लगभग 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है। ये प्रेम जी भैया जो है ये मुहिम की शुरुआत किए, क्या लगता है कि बिटिया का आंख बचेगा? ये नवादा की बेटी है, एकदम पक्का बचेगा। हाँ। हम तो उस दिन ही कह दिए थे, हम बाहर थे और आज आए हैं, तो इसके लिए जो आर्थिक सहयोग होगा वो हम कर रहे हैं जी। और प्लस लोगों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग मदद करें, तो इसके लिए आराध्या के लिए हम सभी लोग, पूरे नवादा ही नहीं पूरा देश खड़ा होगा। हाँ। और धीरे धीरे इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और आप लोग कर भी किए। प्रेम हमको बताया, इनसे बात भी कराए इसके पिताजी से, तो हम आज आए हैं और इनके साथ में हैं और सब लोग से आग्रह करते हैं कि सब लोग जो फोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, अकाउंट नंबर है, उस पे थोड़ा थोड़ा ही सहयोग सब लोग करें ताकि इसका इलाज हो जाए। और ये पूरे कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य है, आराध्या देखेगी दुनिया जी। ये दोनों आंख से देखेगी, एक दोनों आंख से देखेगी जी। इतनी चंचल बच्ची है। हाँ, ये हाँ। और जरूर इसका कल्याण। इससे हम पूछते हैं कि अखिया बच जाएगी, तो कह रही हाँ। इसको भी पता है कि मेरे आंख में दिक्कत है और ये बचना चाहिए आंख, एकदम पक्का। और ये प्यारी सी बच्ची। हाँ। और हम लोग का तो एक अच्छा, नवादा में बहुत नामी जामी नेता लोग हैं, अभी तक नहीं आए हैं, बहुत सारे अन्य अन्य जातियों के लोग, मैं जातिवाद का बात नहीं कर रहा हूँ, इस बच्ची के लिए नहीं आए हैं कि उनको पैसा देकर कुछ इसकी मदद किया जाए, लोगों से अपील किया जाए, आप आए हैं? देखिए हम तो कहेंगे कि सब लोग आगे आवे। हाँ। यहाँ पे कोई जात पात का बात नहीं है। हाँ। और ना कोई राजनीति का बात है। हाँ। यहाँ पे तो एक बच्ची के जीवन को बचाना है, ये दोनों आंख से देखेगी, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। हाँ। तो इसके लिए सब लोग को आगे आना चाहिए और आगे आ करके अभी मदद करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे सभी लोग को आना चाहिए जी। ताकि जाति पात धर्म गांव मजहब से सबसे ऊपर उठकर सब सब सबसे दूर। मिथिलेश कुमार यादव जी, मिथिलेश कुमार यादव जी से मेरी बात जब हुई। हाँ। तो उस दिन भी मैं इनसे कहा था कि मैं आऊंगा और सिर्फ मैं ही मदद नहीं करूंगा और लोगों से भी मदद कराऊंगा। उस दिन वीडियो कॉल किए थे गुंजन सिंह जी, जब हम पहले दिन आए थे, आज गुंजन सिंह प्रकट हो गए हैं नवादा के लिए, तो ये हरदम अवतरित रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं, आज आपकी बिटिया के लिए आए हैं जी। सर मैं सबसे पहले गुंजन भैया को प्रणाम करता हूँ। हाँ। जो कि आज मेरी बच्ची के लिए हमसे 2 दिन पहले वीडियो कॉलिंग बात किए। हाँ। और बताए कि बाबू तुम टेंशन मत लो, ये मेरी बेटी तुम्हारी बेटी पूरी सबकी बेटी है। हाँ। अब हम इसको आगे आकर बचाएंगे और आपको हम जो भी मदद होगा करेंगे और करवाएंगे भी। लगता है कि गुंजन सिंह भैया अब आ गए हैं, जिनको नवादा का बेटा कहा जाता है, भावी नवादा का सांसद कहा जा रहा है, जिनको मगही का दिग्गज सुपरस्टार कहा जा रहा है, उनके आने से इस मुहिम को जान और एक नया रंग मिलेगा जी। सर बहुत सर जब आ गए हैं और हमारे प्रेम भैया, आप रवि जी और रोशन जी, ये सब मिलकर मुहिम चलाए हैं। हाँ। तो अब हमको ऐसा लगता है कि मेरा बेटी का दोनों आंख से अब देखने लगेगी। गुंजन भैया, ये इनकी बेटी है या पूरे नवादा या पूरे बिहार की बेटी है? ये तो सबकी बेटी है। हाँ। हाँ, ये तो अब बड़ा मुद्दा हो गया। और ये एक अच्छा इंसानियत के नाते हर केहू मदद करे, और ताकि ये दोनों आंख से देख पावे, ताकि और भी किसी के साथ ऐसा दिक्कत हो तो सब लोग खड़ा हो पाए, एक नया संदेश भी जाएगा इस। साथ ही हाथ बढ़ाना और वो हाथ होगा मदद का, और जब मदद का हाथ बढ़ेगा तो ये बिटिया जो है वो दोनों आंख से देख पाएगी। ये अध्यापक हैं, इनकी ज्यादा सैलरी नहीं है, फिर भी 10,000 रुपया जो है गांव के होते हुए इस बच्ची की मदद के लिए प्रेम जी दिए, और जो तमाम लोग हैं वो सब लोग अपने तरफ से मदद दे रहे हैं। आज आप भी आ गए हैं, हमको लगता है कि आपके आने से आज एक नया जो है मुहिम को 4 पंख लग गया है। रवि बाबू, हम लोग का कर्तव्य है, मेरे घर का मामला है ये जी, और मुझे लगता है कि इसमें सब लोग को साथ देना चाहिए।
ये नहीं सोचना है कि 5 रुपए दे रहे हैं कि 100 रुपए दे रहे हैं कि 1000, या था शक्ति जैसे पूजा पाठ में दान होता है ना होता है, पुण्य का भागीदारी सबको बनना चाहिए। मदद 1 रुपया भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। तो इसका इलाज होना तय, हम तो उसी दिन कह दिए थे कि कोई रोक नहीं सकता है। आराध्या घबराना नहीं है, इलाज होगा, होगा ना, अखिया बचेगी ना, कौन बचाएगा, सब लोग मिलकर, कौन बचाएगा, सब लोग मिलकर। देखिए मासूम सी बच्ची है, इसको अभी कुछ नहीं पता है, बस इसको ये पता है कि मेरी एक आंख है जो देख नहीं सकती है, मैं एक आंख से दुनिया देखती हूँ लेकिन मैं दोनों आंख देखना चाहती हूँ, मदद के लिए आ जा पाए हैं। हाँ हाँ, ये हमारी तरफ से है जी, इसको रख लीजिए और बाकी और लोगों से भी मदद हम कराते हैं। हाँ। चलिए भैया, ये आप जो अपनी तरफ से किए वो तो ठीक है, और भी लोगों से आपका, उद्योगपतियों से, बिजनेसमैन से, व्यापारियों से आपका बहुत पैठ है, तो मैं चाहता हूँ उनको भी बोलिए कि इस बेटी के आंख को बचाने में अपना हिस्सेदारी निभाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अपील कर दीजिए। एकदम पक्का, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों से कह रहे हैं, संपूर्ण देशवासी से, बिहारवासी से, जहाँ तक हमारा आवाज पहुँचा था, सब लोग आराध्या के जीवन बचावे खातिर सब लोग मदद करें जितना हो सकता है, यथाशक्ति यथासंभव, ताकि इसका आग का ऑपरेशन हो सके। नवादा के लिए गरीबों का मसीहा बन चुके जो है गुंजन सिंह यहाँ पर पहुँचे और इस बेटी की मदद की है, क्या लगता है गुंजन भैया आ गए हैं, अब मुहिम को रंग मिलेगा? देखिए, जो ये मुहिम मैंने शुरू किया है, कहीं ना कहीं गुंजन भैया को लगातार फॉलो करता हूँ और इतने लोगों को ये मदद किए हैं। हाँ। तो इनके संगत में, इनके देखते हुए मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि बार बार गुंजन सिंह ही क्यों, आम आदमी को भी तो आगे आना चाहिए, ये कितने लोगों को करेंगे और कर भी रहे लगातार, हम सबको गुंजन सिंह बनना पड़ेगा, बस वही एक प्रयास किया हूँ। और गुंजन भैया आए हैं तो हम इनका बोले थे कि जो भी साथ मुहिम में आएगा मैं उनका पैर छूकर प्रणाम करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा, और तमाम लोगों से कहता हूँ जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, मायने नहीं रखता है गुंजन जी ने कितना दिया, मायने रखता है कि आप आए और इस मुहिम में अपना भाग। कोई यहाँ पर नेता आया है जी? नहीं, सही बताइएगा, नहीं आया। गुंजन सिंह जी आए हैं बिना नेता हुए अभिनेता होकर, तो लगता है बिटिया का जान बचेगा, आंख का इलाज होगा, बिल्कुल। देखिए एक बार दिखाइए, गुंजन जी जो है राजनीतिक पर्सन तो नहीं है, राजनीति में पहला कदम रखने वाले हैं, लेकिन जो नवादा में इनके चाहने वाले, इनको जो प्रेम मिलता है उसको आप ये देख सकते हैं, कोई छत पर खड़ा है, कोई दीवार पर खड़ा है, महिलाएं बच्चे इस उम्मीद के साथ देख रही है कि इस बिटिया के लिए गुंजन सिंह आए हैं तो कुछ ना कुछ मदद करके जाएंगे, और मदद किया भी है, और इस बिटिया की आंख का इलाज जरूर होगा। बाकी धन्यवाद गुंजन भैया आने के लिए और इस बच्ची की मदद करने के लिए। भाई हमारी तो, मेरा कर्तव्य है, हम तो कोई नेता नहीं है और कोई फंड नहीं है हमारा, जो हम खर्चा करते हैं पूरे देखिए रहे हैं, एक दिन गाड़ी निकलता है तो कितना खर्चा होता है, और पूरे जगह चाहे वो पानी में डूबे, करंट लगे, चाहे कोई भी मामला हो नवादा में, हम अपने तरफ से करते हैं, जो हम गाना उना गाते हैं ओकरे में से जो आता है, कोई फंड तो आता नहीं है, अपने तरफ से अपना पैसा लगाते हैं ताकि मुझे दिल को सुकून मिलता है, और कोई नेता नहीं, लेकिन नवादा का बेटा है, नवादा का बेटा नेता भी बनेगा। अरे वो तो आशीर्वाद, ये सब लोग चाहते हैं कि जब बिना कुछ नहीं होते हुए इतना कर रहे हो तो हो जाने के बाद बहुत कुछ करेंगे, इसलिए नवादा का लोग चाहता है कि आप नवादा का बेटा, नवादा का नेता बने, सबका आशीर्वाद रहा तो जरूर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक लाइन बोलना चाहते हैं, भैया के द्वारा इनका पेफोन नंबर बोल दिया जाएगा। हाँ। तो ये और स्पष्ट हो जाएगा कि बहुत बहुत लोग लगता है कि कहीं ना फ्रॉड ना तो हो रहा है, तो भैया मैं नंबर बता रहा हूँ, 7970 बोल दीजिए, फोन पे नंबर, गूगल पे भी यही नंबर है, फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर है 7970322 3226406406। ये मिथिलेश कुमार के नाम का अकाउंट है जो आराध्या के पिताजी। हाँ, ये मिथिलेश कुमार जी का इन्हीं के नाम से है, आएगा आप लोग उस पे नाम आता है ना, ये आता है। तो आप सब लोग निश्चिंत रहिए, पैसा जो डालिएगा सब आराध्या के इलाज में लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद प्रेम कुमार इस मुहिम से जुड़े।